हेलो फ्रेंड्स, वाइटी अनियट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं जो हमारी सिंपल सलवार होती है बिना बेल्ट वाली, उसमें मैं आपको जेब यानी कि पॉकेट लगाना बताऊंगी कि कैसे लगाया जाता है। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हम अलग से कपड़ा लेंगे इस तरह से लंबा, और उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये लंबाई हम लेंगे, ये हमारी 7 इंच होनी चाहिए। 7 इंच से ज़्यादा बड़ी हम नहीं रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से 7 इंच हो गई, और जो ये इसकी चौड़ाई है ये 6 इंच है, ठीक है। और ये चौड़ाई मान लो आप अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन 6 इंच ठीक रहता है। अब देखिए, यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए, आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ से इस साइड और यहाँ हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। इस साइड भी हमें 1/2 इंच छोड़ना है। ये हमने अपनी सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद अब हम इस जेब को सीधा करेंगे, और ये जो हमारा हिस्सा था ये हमारा सीधा है, हमने उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगाई है। और अब ये देखिए, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको सीधा कर लिया है। और जो ये ऊपर का कपड़ा होता है ये हमारा 5 इंच तो होना ही चाहिए, उससे छोटा हमें इस कपड़े को नहीं रखना है। अगर मान लो ये 5 इंच से ज़्यादा है तो बाद में हम इसको कट कर देंगे लगाते वक्त, ठीक है। तो अब चलिए हम अपनी सलवार लेंगे, और हमें कहाँ पर ये पॉकेट लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हम जेब है, ये हम सीधी साइड जो हमारा हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारी सलवार है ये हमारी कली है, ये हमारा पल्ला है, और ये पल्ले का दूसरा सिरा है, ठीक है। ये हमारा जैसे पल्ला हो गया, तो हमें इस जो हमारा आगे वाला होता है वहाँ पर हमने इसके ऊपर पॉकेट लगानी है, ठीक है। तो मैंने ये सलवार पहले ही बना ली थी, अब इसके ऊपर मैं जेब लगाऊंगी बाद में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से 3 इंच छोड़ेंगे। अगर मान लो आप लोगों ने ये नेफा फोल्ड नहीं किया है तो आप ऊपर से 5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, और अगर आप लोगों ने नेफा फोल्ड कर लिया है, अगर आप बाद में जेब लगाएंगे तो आप यहाँ 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। 3 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद जो हम जेब के लिए खुला हिस्सा छोड़ेंगे वो हमारा 5.5 इंच या 5 इंच होना चाहिए, ठीक है। 5.5 से हमें कम नहीं रखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ सिलाई लगाई हुई है बीच में, अब मैं इस सिलाई को एक बार निकाल देती हूँ। अब ये देखिए, जहाँ से हमने सिलाई निकाली है वहाँ अब मैं सिलाई को एक बार पक्का कर लेती हूँ। यहाँ से अब हम फिर वापस इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से कि हमारा ये खुले ना यहाँ से। अब ऐसे ही हमें बीच में ये जगह छोड़ के जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ से मैं अब सिलाई शुरू करूँगी इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं डबल सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी इसको। अब हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, अब हम इस तरह से इनको ये रखेंगे। और मैं इस सलवार में जिप नहीं लगा रही हूँ, बिना चैन की बना रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करूँगी, और इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग अलग करके इनके ऊपर से सिलाई लगाऊँगी। इनको फोल्ड कर लेंगे हम एक बार, देखिए इस तरह से। अब हम इसको वापस इस तरह से घुमाएंगे अपनी साइड,
ये हम यहाँ अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है, कितने अच्छे से इसके ऊपर सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा उल्टा हिस्सा है हम इसी को इसी तरह से रखेंगे, और ये जो हमने पॉकेट बनाई थी इस पॉकेट को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ बीच में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए अब हमारा जो ये बीच वाला निशान है इस निशान को हम यहाँ इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से, ताकि हमारी सही से सेंटर में लगे ये पॉकेट। और अब हम इधर जो ये हमारा एक खुले वाला हिस्सा है यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, जो हाफ इंच हमने छोड़ा था मार्जिन के लिए यहाँ इस तरह से। और अब मैं इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाली सिलाई लगने के बाद अब जो हमारी पॉकेट के ऊपर का जो कपड़ा था अब हम इसको इस साइड इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। और ये देखिए ये वाला जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था जहाँ तक हमारी जेब का खुला हुआ हिस्सा है वहाँ तक हम इस कपड़े को हाफ इंच ऊपर से हम अब इसको कट कर देंगे। और अब हम इस बाकी कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए जहाँ से हमने ये वाली सिलाई शुरू की थी वहाँ हम इसे हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से और हल्का हल्का अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ ऊपर की साइड से भी मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। और अब हम ऐसे ही इस साइड सिलाई लगाएंगे। और अब हम इस साइड भी ऐसे ही निशान इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई हम यहीं तक लगाएंगे दोनों साइड। ये देखिए ये हमारी जेब लग चुकी है ठीक इस तरह से। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।